बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फेसबुक पेज क्रिएट करना और उस पर अपनी पहली पोस्ट लगाना, उसको बूस्ट करना, ये सब सीखेंगे इंशाल्लाह। और मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी पोस्ट को, जो अपनी पेड पोस्ट लगानी है, बूस्ट करनी है फेसबुक पे पैसे लगा के, कितना उसमें बजट लगाना चाहिए और कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, कैसे इसमें चेंजेस करने चाहिए, कैसे टेस्ट करना चाहिए। तो ऐसा ऐसा जो सीरीज़ है इंशाल्लाह इसमें हम सीखेंगे। तो आज पहला स्टेप है फेसबुक पेज क्रिएट करना, पोस्ट लगाना और उसको बूस्ट करना, पेड ऐड जिसको कहते हैं, पैसे लगा के ऐड चलाना। तो चलते हैं इस तरफ जनाब। सबसे पहले ये आपको मैं अपना, जो जैसे मैंने बताया था कि हम न्यूट्रा पावर जो है उसके नाम से पंजीरी सेल करते रहे, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा कामयाबी दी और उसी से मैंने ये अपनी जॉब छोड़ के जो इस तरफ ये रुख कर लिया और नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसी का आज मैं आपको प्रैक्टिकली ऐड चला के दिखाऊंगा। यानी कोई एग्जांपल के तौर पे नहीं, अपनी ही प्रोडक्ट जो नई लॉन्च कर रहे हैं हम आज से, उसका मैं ऐड आपको चला के दिखाऊँगा नया पेज बना के, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ अपने पेज पे। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जनाब ये चार पेजेस में मैनेज कर रहा हूँ, इनमें से दो उस इदारे के हैं, अल नूर कॉलेज के, जहाँ मैं टीचिंग करता रहा हूँ और उसकी फ्रेंचाइज़ भी है एक मेरे पास। अच्छा खैर, यहाँ पे हम पहले तो ये न्यूट्रा पावर जो हमारा पहले से पेज है उसका मैं आपको छोटा सा व्यू दिखा दूँ, हम उस पर क्या काम करते रहे हैं। ये पेज है हमारा और इस पर हम जनाब ये इस पर हमने मुख्तलिफ ऐड लगाया, ये भी ऐड का लगाया खुद से बना के, ये वो ऐड है जिसको मैंने बूस्ट करना है, ठीक है। अभी मैंने कल लगाया, इसको मैं बूस्ट अभी करूँगा। नीचे आप देख रहे हैं बूस्ट गेन की ऑप्शन। तो ये ब्यूटी क्रीम, ये पिछला जो हमारा पंजीरी था, ये उसके लोगों ने जो हमें पिक्चर्स भेजी और थैंक यू कहा कि बड़ी अच्छी क्वालिटी थी, वो सारा है हमने जो उस पर ऐड, ये रिव्यूज़ हैं जो बड़े अच्छे माशाल्लाह रिव्यूज़ आए। जो हमारा ऐड था जिसको हमने 3 माह चलाया, वो ये ऐड है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हम ऐड चलाते रहे हैं फेसबुक पर और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़्यादा कामयाबी, बड़े सारे मैंने डिफरेंट ऐड चलाए। यहाँ पे देखें आप 2.5 के लोगों, और रीच कहाँ कितनी थी, ऑर्गेनिक रीच थी 4235 और पेड रीच थी 1,30,000। अच्छा, उसके बाद ये हमारा वो फेसबुक पेज का लोगो था। मज़ीद जो हमने पोस्ट बूस्ट की थी, ये भी बूस्ट की, थोड़ा सा इस पर थोड़े से पैसे लगाए थे, पेड रीच 2884, ये भी हमने बूस्ट की 1,69,708 पेड रीच थी हमारी। इसके अलावा ये भी हमने पोस्ट बूस्ट की, 14,786 पे रीच थी पेड। तो बाकी इस तरह के हमने काफ़ी सारे जो पोस्ट थी वो अपनी बूस्ट की, ठीक है। तो अब क्रीम का काम करेंगे। मैंने पहले बताया था कंपटीशन अगर है भी और अगर आप अच्छा डिज़ाइन करके अच्छी चीज़ सेल करते हैं अच्छे तरीके से मार्केट करके, तो कोई वजह नहीं है कि जो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट ना ले। तो ये इंशाल्लाह आप साथ साथ देखते भी रहिएगा। अच्छा, अब मेन चीज़ थी कि हमने क्या करना है कि अपना एक फेसबुक पेज जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये देखें, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है एरो, देखें योर फोर पेजेस, जहाँ फ्लैग बनाओ, बास के ऊपर यहाँ पे ना कहीं फ्लैग बना होता है, तो जहाँ ये फ्लैग बनाओ आपने वहाँ पे जाना है। इसमें आपको एक क्रिएट की ऑप्शन नज़र आ रही है सबसे ऊपर, क्रिएट, तो ये आपका पेज क्रिएट होने जा रहा है, क्रिएट योर पेज, ठीक है जी। तो इसमें आपने क्या करना है, नीचे देखें गेट स्टार्टेड, उसके बाद पेज का आपने नाम क्या रखना है। तो मैं जनाब अपनी क्रीम के नाम पे ही ये एक पेज बनाने लगा हूँ, कि मेरा इरादा था कि हम 2-3 पेजेस के थ्रू अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे। उसकी मैं वजह फिर आपको बताऊँगी क्या स्ट्रेटजी है उसके पीछे। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ आप नेक्स्ट पे। तो अब वो कहते हैं विच कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस पेज, हेल्थ एंड ब्यूटी कर लें, उसके अलावा आप इसको करें जनाब ये जनाब सर्च पे आ जाए ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स वगैरह भी कहीं आएगा, ब्यूटी के स्पेलिंग गलत हो गए हैं,
जी इधर गया, फिर गलत हो गया। ये ब्यूटी कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर, इसमें आप आ जाएं। और खैर अभी चलें, किस कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट फॉल करती है आपने उसके मुतालिक यहाँ पे टैग लगा दें। डू यू वांट एन एड्रेस, वांट टू ऐड एन एड्रेस, अभी फ़िलहाल मैं कोई एड्रेस ऐड नहीं करना चाहता तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। ऐड अ लिंक सो दैट पीपल कैन विजिट योर वेबसाइट और ब्लॉग, वेबसाइट जो कि हमारी है ही नहीं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फेसबुक का पे काम करना इसलिए भी आसान और बेहतर है, आपको कोई वेबसाइट की ज़रूरत नहीं। अगरचे आजकल के दौर में वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन उन जमेलों में ना पड़े। वजह क्या है, क्योंकि आप पहले फेसबुक पे आपकी ऑडियंस आएगी, वहाँ से क्लिक करके आपके पास वेबसाइट पे जाएगी, फिर वहाँ से परचेज करेगी। जितने स्टेप्स बढ़ते जाएंगे ना परचेज में, उतना काम मुश्किल है। बेहतर उसको पेज से ही आप अपनी प्रोडक्ट सेल करें, ज़्यादा स्टेप में ना उसको घुमाएं। अच्छा, तो मैंने कहा जी कोई वेबसाइट हमारी नहीं, ऐड इमेज टू दिस पेज, लें जी एक आधा इमेज ऐड कर देते हैं, कवर फ़ोटो भी आप कोई बनवाएं, डिज़ाइनिंग पे काम करें, डिज़ाइनिंग पे पैसे लगाएं। लेट्स से जनाब ये हमारा कवर पेज है, कवर फ़ोटो डीपी हम लगा रहे हैं, ये जनाब हमने लगा दी इसकी, ठीक है जी, डन। चलें जी सेव कर देते हैं। उसके बाद ये ऐड कवर फ़ोटो, कवर फ़ोटो भी कोई लगा दें, उसकी डायमेंशन असल में अलग होती हैं, ये लगा के चेक करते हैं अगर लग जाती है तो। लें जी डन। अच्छा, अब ये हमारा पेज जो है ये रेडी होने जा रहा है। अब वो कहते हैं जी नंबर, आपने वो नंबर यहाँ पुट करना है जो आपका व्हाट्सएप नंबर हो। ये वो नंबर था जो पंजीरी के लिए हम यूज़ करते रहे, और इसमें गेट मोर मैसेजेस, ठीक है, इस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो कोड मुझे रिसीव होगा, एक सेकंड ठहरें जी, कोड इस पर, कोड जो है कोड आया है जनाब मुझे 97421, 97421। अच्छा जी, ये जनाब हमने कोड पुट कर दिया, आपका नंबर ऐड हो गया, अब आपको व्हाट्सएप डायरेक्टली इस पेज से रिसीव हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें कि ये आपका पेज हो गया जनाब रेडी, कनेक्ट व्हाट्सएप टू फेसबुक, हमने फेसबुक जो है उस पर व्हाट्सएप कनेक्ट कर दी। इसकी मैं सेपरेट भी वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपके पास पेज ऑलरेडी मौजूद है, पेज पहले से बना हुआ है, तो उस पर आपने कैसे अपना व्हाट्सएप जो है वो अटैच करना, नंबर चेंज करना, यहाँ से कर लें आप। यहाँ लिखा यूज़ व्हाट्सएप एज एक्शन बटन, एक्शन बटन आपकी हर पोस्ट के नीचे व्हाट्सएप का बटन बना होगा, और उससे क्या होगा कि जो भी कस्टमर आपकी पोस्ट देखेगा नीचे व्हाट्सएप बटन भी प्रेस करेगा, डायरेक्टली आपके साथ व्हाट्सएप चैट पे आ जाएगा और आपकी प्रोडक्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, परचेज़ करना है नहीं करना, ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, उस पर आ जाएगा, ठीक है। नीचे शो व्हाट्सएप नंबर ऑन पेज, डिस्प्लेइंग योर व्हाट्सएप नंबर इन द अबाउट सेक्शन ऑफ योर पेज, ये भी आप कर देना आप ऑन, ठीक है। ये आपने अपने व्हाट्सएप नंबर की नंबर ऐड कर दी। उसके बाद जनाब अब ये आपका पेज जो है वो रेडी है। फिर कहते हैं कुछ स्टेप्स हैं उसके कि प्रोफाइल पिक्चर वगैरह ऐड करें, वो हमने हालांकि ऐड कर दी थी, शायद अपडेट होने में ज़रा उसको टाइम लगे। अब आपने क्या करना है, पहली पोस्ट लगानी है जिसको मैंने पहले भी कहा था मैं आपको बूस्ट करना सिखाऊंगा। तो यहाँ देखें क्रिएट अ पोस्ट, तो आप जनाब ये पोस्ट लगाएं, इसमें फ़ोटो ऐड करें, और यहाँ पे ये हमारी पोस्ट है जिसको हमने बूस्ट करना है। ऊपर आप इसकी ना डिस्क्रिप्शन लिखें, ऊपर इसको डिस्क्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखें, मतलब कोई भी बंदा है, कोई क्लाइंट है, कस्टमर है, आपकी प्रोडक्ट क्यों बाय करे, आपने ज़ाहरी बात उसको ये तो समझाना है ना कि वो क्यों बाय करेगा। तो हम उसकी यहाँ लिख देते हैं जनाब जो डिस्क्रिप्शन है ऊपर, स्नीक पीक इनटू आवर फर्स्ट
स्किन केयर प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू एनहेंस योर ब्यूटी। ठीक हो गया जी। नीचे आपने इसके डिफरेंट फीचर्स लिख देने हैं कि ये क्या क्या काम करेगी आपकी जो प्रोडक्ट है। हमारे केस में चूँकि वो एक क्रीम है तो ये वाइटनिंग का काम करेगी और एक्नी और जो पिंपल्स हैं उसके लिए ये काम करेगी, उसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद जनाब ये काम करेगी ब्लैक हेड्स जो बन जाते हैं, ब्लैक हेड्स, और ये क्या काम करेगी जनाब, ब्लैक स्पॉट्स, इनको दूर करने के लिए ये काम करेगी। ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी, आप जारी बात अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक लिखेंगे। और यहाँ पे जनाब इसको हमने कर देना है पब्लिश, ऊपर पब्लिश का बटन है, ऐड अ सेंड मैसेज बटन। सेंड मैसेज बटन से देखें नीचे बटन एक आ गया था, अगर आप यहाँ पे देख सकें। आप इसको व्हाट्सएप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किधर चला गया भाई, इसको व्हाट्सएप में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक आपके जो पेज पर एक और चीज़ है, यहाँ देखें ग्लो मैक्स के नीचे ऐड एक्शन बटन, इसको अगर प्रेस करते हैं तो इसमें क्या है, आपका नंबर है। दूसरा यहाँ देखें कह रहे हैं मोर ऑप्शन चूज अ डिफरेंट बटन, आप बटन चेंज भी कर सकते हैं। मसलन बुक नाउ, शॉप नाउ, शॉप नाउ खरीदें कोई चीज़, व्यू गिफ्ट कार्ड, स्टार्ट नाउ, कॉल नाउ अगर आप कॉल रिसीव करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट मैसेज लेना चाहते हैं, सेंड मैसेज, ये मैसेंजर पे मैसेज आएगा सेंड मैसेज जो है, और सेंड ईमेल, ईमेल हासिल करना चाहते हैं, यूज़ ऐप, अगर आप ऐप को प्रमोट कर रहे हैं तो अपनी ऐप यूज़ ऐप का आप लेबल लगाएंगे, वॉच वीडियो, जो भी आपका कंसर्न है आप अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक या अपनी कैंपेन के मुताबिक। कई जो डिज़ाइनर है वो गेम्स बनाते हैं, गेम्स को प्रमोट करना चाहते हैं फेसबुक पे ताकि लोग उनकी गेम्स और ऐप्स इंस्टॉल करें, तो आप उसके मुताबिक यहाँ से ये कोई एक्शन चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो प्रमोट व्हाट्सएप बटन, अपना व्हाट्सएप बटन प्रमोट करें, लोगों को मैक्सिमम व्हाट्सएप बटन नज़र आएगा, वो आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, तो अगला स्टेप होगा ना आपकी प्रोडक्ट बाय करना। अब ये आपकी पोस्ट है जो हमने लगाई थी। अब इसको बूस्ट कैसे करना है, इसको बूस्ट करने का तरीका ये है जनाब कि अच्छा ये नीचे सेंड मैसेज बटन देख रहे हैं, ये मैसेंजर पर सारे मैसेज आएंगे। ठीक है, अच्छा खैर, तो यहाँ बूस्ट आपने कैसे करना है, बूस्ट आपने इस तरह करना है जनाब के ये बूस्ट पोस्ट का बटन दबाएं और इसमें देखें अब सारा कंट्रोल आपके हाथ में। तो गोल क्या सेलेक्ट करना है, गेट मोर इंगेजमेंट या गेट मोर मैसेजेस। मेरे केस में मैंने फेसबुक ना आपको ऑप्शन देती है बाज़ बात के लेट फेसबुक डिसाइड, फेसबुक को डिसाइड करने दें कि इन दोनों में से अगर आप लैपटॉप से करेंगे ना कुछ 6-7 गोल्स आपको नज़र आएंगे, 6 या 8 हैं गालबन, और मोबाइल ऐप से ज़रा थोड़े लिमिटेड फीचर्स हैं, तो कभी आपको लगे ना कोई चीज़ चेंज नहीं कर पा रहे, कोई मसला है, तो लैपटॉप पे चले जाएं, वहाँ ज़्यादा डिटेल्ड ऑप्शंस हैं। तो मैं फ़िलहाल आसान रखने के लिए हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो मेरे केस में क्या किया था, फेसबुक पे छोड़ा हुआ था, उसके बाद वो ऐड अच्छा परफॉर्म करना बंद कर गया, फिर मैंने मैनुअली गोल सेलेक्ट की, मैं एट अ टाइम 2-3 पोस्ट लगाता था और बूस्ट करता था, कईयों पे गेट मोर इंगेजमेंट, कईयों पे गेट मोर मैसेजेस, और ज़्यादातर मेरी जो गेट मोर मैसेजेस वाली कैंपेन थी वो अच्छा परफॉर्म करती थी। तो अभी भी गेट मोर मैसेजेस वाला जो फीचर है वो ऑन कर दूंगा, अगर ये ऑन हो गया तो कोई इशू है शायद इंटरनेट का। हाँ जी, ये देखें अब ये गेट मोर मैसेजेस ओके हो गया। उसके बाद आए पीपल चूज़ थ्रू टारगेटिंग, आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। बड़े लोग गलती करते हैं कि ना वो एज देखते हैं, ये एरिया देखते नहीं, क्या एरिया लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट क्या लगा था, यूनाइटेड स्टेट्स। और आप अगर ऐड लगाएंगे, पैसे लगा दिए, मेरे एक दोस्त के साथ रिसेंटली हुआ भी कि उन्होंने क्या किया जनाब, ऐड लगा दिया, और जब ऐड लगाया तो वो पैसे भी कुछ लगा दिए, और पैसे लग कहाँ गए, अमेरिका की ऑडियंस पे, जिसका आपको फ़ायदा कोई नहीं। तो इसलिए ऑडियंस जो है वो आपने, सारी बात अपने मुताबिक चेंज करनी। तो मैं इसको एडिट करूँगा यहाँ पर,
इसको एडिट करेंगे हम ऑडियंस को। अच्छा ये ऑडियंस आ गई, इसमें आप बता दो यूनाइटेड स्टेट्स, सबसे पहले इसको चेंज करना पाकिस्तान में। आप यूनाइटेड स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं पाकिस्तान में, अगर आप पूरे पाकिस्तान में ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान में आप ऐड नहीं चलाना चाहते, ये पाकिस्तान की ऑप्शन आ गई, आप इस नंबर वन पे देखें, इसको सेलेक्ट कर दें आप, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ऐड नहीं चलाना चाहते, तो इसकी बजाय आप अगर कोई एक प्रोविंस, जैसे मैं लाहौर में रहता हूँ, तो पंजाब लेट से मैं सेलेक्ट करता हूँ पंजाब, यहाँ इंडिया का भी ये भी ध्यान रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान, या पंजाब पाकिस्तान वाला सेलेक्ट करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। अगर बिलफर्ज आप टेस्ट करना चाहते हैं शुरू में, और आप किसी लोकेलिटी में सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं अपने इलाके के इर्द गिर्द, तो लाहौर, जैसे लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, ये लगा दें। तो मेरे केस में मैंने जब पंजीरी पे पैसे लगाए, तो इरादा था पंजाब में लगाएं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में लगाइए, बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि पंजाब से तो ऑर्डर ही नहीं मिले, बड़े कम मिले, 90% केपीके से थे, बाकी ज़्यादातर कराची से थे, और सबसे कम पंजाब में से थे। वजह ये थी कि पंजाब में तो खुद घर में ये लोग बना लेते हैं, तो हम क्या करेंगे फिर पूरे पाकिस्तान में ये ऐड लगाएंगे, तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इस फेसबुक को बहुत लिबर्टी देती है इसमें, अगर तो आपने कोई एरिया ऐसे सेलेक्ट करना, कंट्री या कोई प्रोविंस या कोई सिटी, तो भी ठीक है। अगर आप एक शहर का भी ख़ास इलाका चूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन, जैसे ये देखें, ये आपके पास आ गया, ये लाहौर का एक इलाका है, इत्तेहाद कॉलोनी और ये वो, ठीक है, आगे आ जाएं इधर, ये लाहौर का कोई इलाका, इतना सा इलाका, इस इलाके को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कितना रेडियस, ये देखें नीचे एरो में, 2 किलोमीटर रेडियस का इलाका लगा हुआ है। अगर मैं ये रेडियस बढ़ाना चाहूँ तो ऐसे हो जाएगा, ये देखें, ये लाहौर तकरीबन सारा कवर हो जाएगा, 10 किलोमीटर रेडियस जो है, बल्कि आधा लाहौर कह लें, लाहौर भी काफ़ी बड़ा हो गया। तो आप इसका रेडियस भी अपने मुताबिक चूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें आप, तकरीबन सारा लाहौर और इसके अलावा शेखुपुरा का कुछ इलाका भी कवर हो जाएगा, देख रहे हैं ये आप। तो आप अपने मुताबिक कोई ख़ास इलाका, जहाँ आपकी लोकेशन है, उसके इर्द गिर्द का इलाका भी आप चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। खैर, मैं फ़िलहाल उसी तरफ जाऊँगा, रीजन की तरफ, जो कि मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। इसको सेव ऑडियंस कर दें, आपने ऑडियंस सेव कर ली। अच्छा, अब क्या है, वो आपसे एज पूछा, किस एज ग्रुप को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो मेरे केस में देखें 18 से 65 प्लस, बल्कि मैं इस 18 को भी चेंज कर देता हूँ, मैं इसको करूँगा जनाब कोई 15 साल से 15 ईयर्स से ऑनवर्ड, ये मेरी ऑडियंस है। उसके बाद अगर चूँकि हम, अच्छा यहाँ पर ये देखें कि जो बजट है फेसबुक पे, जो कम से कम बजट है वो $1 के अराउंड, यहाँ लिखा है यू विल स्पेंड 154.36 पर डे, टोटल कितने 771 तकरीबन, पर ये कितने दिन के लिए है, 5 दिनों के लिए। मैं लेट्स इसको कम कर देता हूँ, नीचे पहले देखें, नीचे लास्ट पे स्क्रीन के बिल्कुल नीचे बूस्ट पोस्ट नाउ की ऑप्शन आ रही है, ये बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन ख़त्म होने वाली है, ये देखें ज़रा, वो जो ब्लू थी नीचे बूस्ट पोस्ट नाउ, अब वो ब्लू नहीं रही, क्यों, क्योंकि आपने बजट इतना कम कर दिया। कितना, यहाँ पे देखें 80 रुपीज़ पर डे, मैंने कहा था कम से कम $1 के करीब आपको पर डे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये फेसबुक की रिस्ट्रिक्शन है, तो आपने बजट उससे कम कर दिया, तो ऊपर एरर आ गया, वी फाउंड वन एरर, द मिनिमम बजट इज़ 154.36 पर डे। आप इसको बढ़ा दें तो देखें वापस नीचे बूस्ट का बटन आ गया ब्लू कलर का, इससे ऊपर ऊपर जितना मर्ज़ी आप यूज़ कर लें बजट, मैंने 1800 रुपया कर दिया, या शुरू में आप हैं तो आप ज़रा मुनासिब सा बजट यूज़ कर लें, जैसे 280 रुपीज़ पर डे, 1400 मैंने 5 डेज़ के लिए सेलेक्ट किया, 280 रुपीज़ पर डे, ठीक है। तो इसको जनाब आपने, अब क्या करना है, ये मैंने ना अपना कार्ड MCB का मैं कार्ड यूज़ करता रहा हूँ, अल्फ़ला का मैंने करना चाहा लेकिन वो ऑप्शन नहीं थी कि जी हमारे सिस्टम में मसला है, बाज़ मेरा ख्याल है जायज़ कैश, ये जायज़ का भी जो कार्ड है ना, जायज़ कैश का अकाउंट, वो भी यूज़ कर लेता है। मैंने MCB का ये वीज़ा कार्ड जो यहाँ पर अपना फीड किया हुआ है, तो ये बूस्ट पोस्ट ना हो, अब ये पोस्ट जो है ये बूस्ट हो गई है, प्रोसेस में है, थोड़ा सा टाइम लेती है, वो चेक करेंगे फेसबुक वाले कि आपकी पोस्ट जो उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट तो नहीं है। तो यहाँ देखें लिखा आ गया इन रिव्यू, ये को 15-20 मिनट बाद, 5-10 मिनट रिव्यू में रहती है, उसके बाद वो फेसबुक आपकी पोस्ट को बूस्ट कर देती है। डिटेल्स आ रही हैं कि 1400 रुपीज़ आपने लगाए और अभी उसमें से जो स्पेंट है, जो खर्च हुए हैं, वो अभी ज़ीरो है।
ड्यूरेशन 5 डे है, 6 मई से लेके तो कहाँ तक है, 11 मई तक, टाइम भी मेंशन है। और ये मैंने अपने नाम से बुक की है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे, तीन जगह पे आपकी ये चलेगी पोस्ट, और तीन जगह पे आपको मैसेजेस आएंगे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे और इंस्टाग्राम पे। नीचे इंक्रीज बजट जो अभी फ़िलहाल आप ना बढ़ाएं, ये सारा जनाब पेड एड लगाने का तरीका था। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं इसके बारे में बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आपने दो ऐप्स भी इंस्टॉल करनी है, फेसबुक बिजनेस और फेसबुक एड्स मैनेजर, वो दो ऐप्स लाजमन इंस्टॉल करनी है। बहुत फ़ायदा, वहाँ से आप पूरा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और पूरा एनालिसिस कर लेते हैं अपनी ये जो पोस्ट वगैरह है और अपने पेजेस का। अगर आप आपके एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो पेजेस की भी एक ऐप है, उसको आप इंस्टॉल करें। लेकिन फ़िलहाल फेसबुक एड्स मैनेजर और फेसबुक बिजनेस, ये दो ऐप्स आपने इंस्टॉल करनी है। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और मैं आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करूँगा, अपने ही प्रोडक्ट पे आप देखिए तजर्बे करके दिखाऊँगा। आप ये ना समझें कि अभी बस जनाब काम कर रहे हैं, आप साथ साथ देखिएगा प्रोग्रेस क्या है और क्या सिलसिला है। इंशाल्लाह अल्लाह का साथ रहा तो इंशाल्लाह ये कामयाब, अपनी प्रोडक्ट कामयाब करके दिखाएंगे और आपको भी साथ चलाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।